दर्शकों, फिल्म का नाम है शुभ मंगल ज्यादा सावधान। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में किन किन बातों को लेके सावधानी बरतते हैं। आप अपने अपने मजेदार किस्से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जी हाय कपिल, मेरा नाम योगिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मैं बहुत बिंदास हूँ, तो किसी चीज से सावधान रहती नहीं हूँ। अच्छा जी। बट हाँ, आजकल एक चीज है जिससे बहुत सावधान रहती हूँ। किससे? एक्चुअली क्या हुआ, दो हफ्ते पहले ही मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई है। ओ। तो अच्छा। और वो भी 30-40 या उससे भी ज्यादा लड़के इधर उधर करने के बाद। तो अब मेरा नंबर हो गया है, तो मुझे लगता है कहीं घूम फिर के वही जो 30-40 लड़के हैं मेरे लिए आ जाए। तो वो आपको आपको भी पसंद नहीं थे जो सिस्टर नहीं, आपको सिस्टर रिजेक्ट कर दिया तो मुझे क्यों पसंद आएंगे? आई हैव अ हायर एक्सपेक्टेशन। फिर भी बताइए, आप हमारे तरह हर प्रकार के लड़के हैं। अर्चना जी, अर्चना जी का मैरिज पार्लर भी आपको पता है? आप बताइए। मुझे स्मार्ट चाहिए, पैसे कमाने वाला चाहिए, ऑफ अ हाई लेवल। आप चल जाते बट थोड़ा सा स्लिम होते तो। दो महीने का टाइम दो। वैसे भी आपकी शादी तो हो चुकी है ना? शादी तो घर पे हुई, इधर थोड़ी हुई है। As of now, आयुष्मान जैसा मिलेगा तो चला लूंगी। आयुष्मान की भी शादी हो गई है। फिल्में भी ये बंदा करे, नेशनल अवार्ड भी ये बंदा ले, ऑडियंस भी, मैं हम हरिद्वार चले जाएं। इनकी भी शादी हो चुकी है। शादी हो गई। अभी तो बोला लेकिन चला लूंगी। आप चला लूंगी। तो हमारी क्या डेट एक्सपायर हो गई है? हम भी नहीं चल सकते भाई। अभी आप फिर मतलब अभी क्या चाहती हैं आप? मतलब अब तो सब कुछ बता दिया। गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, प्राइवेट बिजनेस वाला चाहिए, कैसा चाहिए आप मेरे को बताएं। मैं खुद ही गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, तो प्राइवेट वाला भी चल। आप गवर्नमेंट जॉब करती हैं? एक्चुअली भी मिल जाए चल जाएगा। मेरे भाई से कर लो। अरे आपको घर ढूंढने की जगह नहीं, इसके पेट पे इतनी जगह है जहां मर। पर आप बहुत प्यारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके पीछे जो, अरे साहब बैठे, सर कैसे हैं आप? वाओ, डाउन भी आए हमारी ऑडियंस में। कपिल जी। जी सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मैं इस अवसर पर, शुभ मंगल मैं अवसर पर पहुंचा हूं। आपको बाला का टाइम आना चाहिए था। कपिल जी, ये मेरे लिए इतनी शुभ बात है कि जब आपका शो जो है डिसकंटिन्यू हुआ था जी, ये एक ही दिल है सारी पृथ्वी पर आप नापोगे वो दुखी था, और आज मैं इतना खुश हूं आपके कमबैक से। यू हैव मेड सच अ बिग कमबैक, घर घर की धड़कन है आप, सारे हिंदुस्तान की नहीं सारी दुनिया की धड़कन है। कपिल जी, मैं मैं वहाँ आकर जो मेरे दिल के करीब हैं, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। कपिल जी और ये, अरे सर, आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मेरे को मौका तो दो पूछने का। वो इसीलिए क्योंकि इंसान अपनी उम्र से नहीं अपने काम के ओहदे से बड़ा होता है। आई लव यू सर, आई लव यू कपिल जी, आई लव यू। थैंक यू सर। मैं कपिल जी के लिए, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल टीम, और चार लाइनें मेरे दिल के बहुत करीब है। आप इलेक्शन लड़िए जी। मतलब कितना अच्छा बोलते हैं। कमबैक है, समंदर में हम, समंदर में हम अपनी खुशी जाते हैं, समंदर में हम अपनी खुशी जाते हैं, यूं झूम के मरते हैं, यूं झूम के मरते हैं, के जी जाते हैं। तुम वो हो समंदर जिन्हें खा जाता है, हम वो हैं जो समंदर को पी जाते हैं, पी जाते हैं, पी जाते हैं। क्या बात है सर, लव यू सर, बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात। सर जी, नाम तो बताते जाइए अपना। रजिंदर थापर।
थापर साहब जैसा आप में जोश है मुझे लगता नहीं आपकी शादी हुई है. अच्छा पर आप बड़ा प्यारा बोलते हैं सर. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. थैंक यू सर. शुक्रिया. आइए सर. छा गए आप. क्या जोश है यार. और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना है. जी भाई साहब माइक दे दीजिए इनको. नमस्कार सर. नमस्कार जी. मैं नील सिंह पानू पिथौरागढ़ उत्तराखंड से. वहां से पिथौरागढ़. पिथौरा सर मैं भारत तिब्बत सेवा पुलिस का जवान हूँ. अरे वाह क्या बात है सर. जहाँ तक सावधानी की बात है सर देश का जवान होने के नाते देश की सुरक्षा के लिए मैं हमेशा 24 घंटे सावधान रहता हूँ सर. सो प्राउड ऑफ यू सर. वी लव यू. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर. शुक्रिया शुक्रिया. देश की सीमा लास्ट सीमाओं पर जहाँ बर्फ टेम्परेचर -35-40 तक रहता है सर वहाँ पर हम लोग आपका शो स्वरूप जाके प्लेट उसकी पूरे दिन उसे चार्ज करते हैं. रात में हम आपका शो देखते हैं वहाँ पर. बहुत अच्छा लगा सर कि अगर हम लोग सर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं. सपना था सर आपके शो में आने का लेकिन सपना पूरा हुआ सर. बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका. बहुत बहुत. मेरे साथ मेरे भाई हैं सर उत्तराखंड के सिंगर. दो लाइन हमारे उत्तराखंड के लोकगीत के सर सुनाना चाहेंगे सर. यस गोविंद दिगारी जी. थैंक यू सर. नमस्कार आप सभी को. नमस्कार. नमस्कार सर. दादा बी फ्लैट. वाह. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. और अभी आप छुट्टी पे हैं सर. अभी सर मैं छुट्टी पे हूँ 9 तारीख तक. अच्छा जी. अभी हम लोग अरुणाचल गए थे वहाँ पे जो इंडो चाइना बॉर्डर है. अच्छा सर. हम लोग बुमला पास गए थे. सर मैं लद्दाख में पोस्टेड हूँ सर. अच्छा जी. लद्दाख से भी 250 किलोमीटर आगे सर. वाह चलिए बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे शो पे आए. धन्यवाद. थैंक यू सर. जय हिंद सर. सर आपका सलूट का फैन हूँ सर. थैंक यू जी. और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा. जी मैडम. हेलो. हाय. हेलो. हाय कपिल सर. हाय अर्चना मैम. हाय आयुष्मान सर. हाय. हाय हाय. आप सब बहुत अच्छे लग रहे हो. आप बहुत अच्छे लग रहे हो कपिल सर. थैंक्स बेब. शुक्रिया. ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आप पे. ये कलर ना आप संतरा नहीं ये तो रोज का कलर होता है ना जिसे प्यार लव. मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ. अच्छा तो वहाँ पे ही मैं आपकी स्माइल पे फ्लैट हो गई थी वैसे. तो वहाँ बताया क्यों नहीं तब मेरी शादी नहीं हुई थी. मेरे पापा भी साथ आए हैं तो. अरे मैं आपका नाम ही नहीं पूछा. आपने क्या नाम. भाविका शर्मा. भाविका देखो नाम है ही शर्मा है. शर्मा कितना अच्छा है. तो जी भाविका आप किस चीज से सावधान रहती हैं. जी एक्चुअली मुझे कोई सावधान वावधान का कोई किस्सा नहीं है. अच्छा जी. वो मैंने आयुष्मान सर के साथ डांस करना है. आप लड़की क्लियर है साफ स्पष्ट. आई लाइक यू टू. आइए सारी तारीफें कपिल की कर दी. आयुष्मान सर के साथ डांस कर रहे हैं. मैं बता ना आपको मेरे साथ ऐसा ही होता है सदियों से. नाइस टू मीट यू. भाविका आप तारीफें मेरी करके एकदम से डांस के लिए आपने आयुष्मान को जो बुलाया. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू जी. और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा. जी मैडम. नमस्ते आंटी. माइक दे दीजिए मैम को. कपिल जी. कपिल जी और अर्चना जी सत श्री अकाल. सत श्री अकाल जी. आप सब लोगों का अभिवादन करती हूँ. मैं बहुत दिन से मेरी इच्छा थी इस शो में आने की इसलिए मैं भोपाल से आई हूँ. मेरा बहुत नाम सरकार कौर कक्कर है. मैं कविता लिखती हूँ. मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था कि जब मैं बहुत निराश थी. रोती रहती थी पूरे टाइम. दुखी थी तो मेरी बेटी ने कहा आप कपिल का शो क्यों नहीं देखते. मैंने भी सोचा अच्छी बात है देखते हैं कैसा है. तो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हंसी आ गई. उसी दिन मैंने दूसरे दिन कविता लिखी. वही छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ. होठ खामोश थे आंखें रहती थी नम. मुस्कुराने की आदत सी क्यों हो गई. कुछ ख्यालों में गुम यूं ही रहते थे हम. गुनगुनाने की आदत सी क्यों हो गई. क्या बात. बहुत बढ़िया. एक संदेशा देकर के दिल भर गया. कपिल के लिए है जी. एक संदेशा देकर के दिल भर गया. वो खुशी से मेरी जिंदगी भर गया. पंछियों की तरह अब फड़कते हैं पर. पंछियों की तरह अब फड़कते हैं पर. उड़ के जाने की आदत सी क्यों हो गई. होठ खामोश थे आंखें रहती थी नम. मुस्कुराने की आदत सी क्यों. क्या बात. वेरी नाइस.
बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी खूबसूरत कविता सुनाने के लिए. आपको पता है आयुष्मान पाजी बहुत पोइट्री को बहुत पसंद करते हैं और ये खुद भी बड़ा अच्छा लिखते हैं. पर ये कुछ हो जाए यार, कुछ नया आप ट्विटर पे देखता रहता, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से आता रहता है. ऐसे ही माहौल बना दिया मैडम ने. पाजी ऐसा कि मेरे को ऐसे याद नहीं रहता, मेरे मोबाइल पे है तो मैं मोबाइल मंगवा. जी जी प्लीज प्लीज. आयुष्मान पाजी का मोबाइल कहाँ है? एक कविता मैंने लिखी थी अज्ञात. अज्ञात शीर्षक अज्ञात है. अज्ञात से सवाल का अज्ञात सा जवाब है. अज्ञात से सवाल का अज्ञात सा जवाब है. अज्ञात सी मेरी नींद में अज्ञात सा एक ख्वाब है. वाह. अज्ञात से महासागर में अज्ञात सा ही आब है. वाह. मेरी हैसियत कुछ नहीं, कोई अज्ञात ही लाजवाब है. क्या बात है, क्या बात है.